गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ के सब्जेक्ट SST सिविक्स के चैप्टर 6 को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो उसके पढ़ने के पहले हम लोग ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में ही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्ट्रूमेंट इन द डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टियां जो भी राजनीतिक दल हैं डेमोक्रेसी में ये मुख्य रूप से दिखाई पड़ती हैं, और कैसे ये काम करती है उसके बारे में हम लोग जाने को हमें पता चलता है। फॉर द मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टी, और एक साधारण जो देश का नागरिक है उसको डेमोक्रेसी का क्या समझता है, लोग पार्टी को के बराबर समझता है कि पार्टी ही है, लोकतंत्र है, एक तरह से पार्टी को ही लोकतंत्र समझता है। अगर हम इफ़ वी ट्रेवल टू द रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, यू कूड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबाउट द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बहुत सुदूर गांव देहातों में अगर हम जाते हैं तो लोगों से जानने कोशिश करती हैं कि तो उसमें हम जाने की कोशिश करेंगे तो लोग अगर कुछ पूछा जाए तो लोग ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता पाएंगे या हमारी सरकार कैसे काम करती है उसके बारे में कोई जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। लेकिन अगर पूछा जाए बट चांसेज आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी। लोग हमारे संविधान के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सरकार हमारे किस तरह चलती है उसके बारे में बताने में उन्हें बता सकते। लेकिन अगर पार्टियों के बारे में अगर पूछा जाए तो वो अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी है, कौन उसके अध्यक्ष हैं, कौन पार्टी किसका समर्थन करती है, किस ग्रुप का, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह बता सकते हैं। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन द पॉपुलैरिटी। इसका कहने का ये मतलब ये नहीं है कि जो पार्टियां हमारे देश में हैं, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसका मतलब नहीं कि पार्टियां बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय हैं, ऐसा नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे लोग इन राजनीतिक दलों की बहुत आलोचना करते हैं, और दे टेंड टू ब्लेम पार्टी फॉर ऑल द रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। और ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि देश में जो भी हमारी गड़बड़ियाँ हैं या राजनीतिक लाइफ जीवन में हो या लोकतंत्र में है, ये सारी कमियां अधिकतर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की जाती हैं। तो लोग राजनीतिक दलों की आलोचना भी करते हैं। पार्टी हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। बहुत सारी पार्टियां अलग अलग कम्युनिटी का समर्थन करती हैं, अलग अलग वर्ग का नेतृत्व करती हैं। तीसरा हम देखते हैं कि एक तरह से विभाजन ग्रुप में दिखाई पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। देयरफॉर इट इज नेचुरल टू आस्क डू वी नीड ए पोलिटिकल पार्टी एट ऑल। तब ये हमें प्रश्न उठता है, ये सारी कमियाँ होने के बाद भी क्या हमें राजनीतिक दलों की जरूरत है, पोलिटिकल पार्टी की जरूरत है क्या, क्या उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अबाउट 100 years ago there were few कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज नो एनी पोलिटिकल पार्टी। अगर पिछले 100 साल देखें तो उस समय, पिछले 100 साल में अगर हम चलते हैं तो उस समय कोई राजनीतिक दल नहीं था, कहीं कहीं पर एक आध पार्टियाँ नज़र आती थी। बट नाउ देयर आर ए फ्यू कंट्री डू नॉट हैव पार्टी। आज ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर राजनीतिक दल ना हो। इन केस ऑफ आवर कंट्री हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं जो बहुत सारी पार्टियाँ हैं ये हर जगह में दिखाई पड़ती हैं। तो इस पर चर्चा करने के पहले हम लोग फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट दे डू, पहले हमने जानने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है क्या और ये करती क्या है। उसके पहले हम ये सारे प्रश्न जान लेंगे, उसके बाद ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाई वी नीड देम, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसको जानने के पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे राजनीतिक दल है क्या और ये करती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी ए ग्रुप ऑफ पीपल्स हु कम टुगेदर
एंड कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, कुछ लोगों द्वारा मिलकर के एक संगठन बनाया जाता है और ये संगठन क्या करता है, चुनाव होता है तो उसमें भाग लेता है और सरकार बनाने में मदद करता है, उसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, जिसको राजनीतिक दल हिंदी में आप कह सकते हैं। द दे एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी एंड विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। और हर पार्टी का अपना कुछ न कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम होता है, उसके माध्यम से लोगों को ये प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और ये ऑल पार्टी कोशिश करती है कि जो जो पॉलिसी और प्रोग्राम हो पूरे देश के लिए हो, ये अलग बात है कि पूरे देश के लोग को लाभ हो ना हो, लेकिन कोशिश होती है कि ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसी पॉलिसी जो नीति बनाई जाए जो पूरे देश के लोगों के लिए लाभकारी हो। तो पार्टी ट्राई टू पर्सुएड पीपल वाई देयर पॉलिसी एंड बेटर देन अदर। और ये जितनी पार्टियां हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिलजुल करके ये कोशिश करती, कहने का मतलब है कि एक पार्टी कोशिश करती है लोगों को बताने की कोशिश करती है कि ये अन्य पार्टियों से कैसे ये बेहतर है और देश के लिए क्या कर सकती है। उस बहुत सारे पॉलिसी प्रोग्राम उसके अंदर बनाया जाता है और ये दिखाने की कोशिश करती है, कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके प्रभावित किया जा सके। और इसे कहने का मतलब है कि पार्टी कोशिश करती है कि जो हमारी पॉलिसी प्रोग्राम है उसे देश को लाभ होगा और साथ ही साथ देश की जनता का भला होगा, उसमें ज़्यादा से लोगों का विकास होगा। दस पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी। सर देखते हैं अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग समुदाय का नेतृत्व करती है और इस तरह एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी जो है विभिन्न वर्गों के नेतृत्व करने के कारण एक तरह से अलग अलग इसके समर्थक लोग हो जाते हैं, अलग अलग पार्टियाँ हैं अलग उसके समर्थक हैं। तो देश में अलग पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण उसके समर्थक भी अलग हैं और अलग अलग पार्टियाँ भी, सब पॉलिसी प्रोग्राम अलग अलग है। नाउ वी ट्राई टू नो दैट पॉलिटिकल पार्टी है थ्री कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टी के तीन अंग हो जाते हैं। पहला इसका पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसका लीडर होगा, उसका कोई ना कोई एक नेता जो हेड होगा, साथ ही साथ उसके एक्टिव मेंबर होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेंगे, और तीसरा उसके फॉलोअर होंगे, इसके समर्थक हो जाएंगे जो उस पार्टी का समर्थन करेंगे, मान लो चुनाव होता है उस पार्टी को वोट देते हैं। इस तरह देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी में के तीन अंग हो जाते हैं, पहला तो लीडर होगा, दूसरा हो जाए एक्टिव मेंबर होंगे और तीसरे उसके समर्थक फॉलोअर होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू।